जानना इज्जत है ये रेजक है आपका खाना रेज है आपकी वजह से किसी को फायदा हो जाए रेजक है सो देर आर सो मैनी लॉट मैनी प्रॉफिट्स जो आंटरप्रन के सब्जेक्ट में आते हैं देखें जी हमने देखा कि इकोनॉमिस्ट जब इस एरिया के अंदर आते हैं और उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं सो so उसके अंदर प्रॉफिट मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमने देखा कि आंटरप्रेनियोरी प्रॉफिट इज कॉम्पनसेशन ऑफ द एक्सपर्टीज एंड सक्सेसफुल एफर्ट हमारे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार एम बी एज हो गए हमारे पाकिस्तान में बेशुमार बी कॉम्स हो गए बी बी एज हो गए मुझे एतराज इस बात से नहीं है कि वो बी बी ए क्यों है या एम बी ए क्यों है मुझे एतराज ये बात पर है कि उनको इतना ज्यादा पढ़ाया गया और हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है और इंडस्ट्री के लिए अगर ये कहा जाए कि इंडस्ट्री थी नहीं उनको प्रोवाइड नहीं किया वो बेचारे बच्चे थे नहीं बेटा ये आपका कसूर है जब ए लेवल ओ लेवल आप कर लेते हैं और उसके बाद मैट्रिक या एफ कर लेते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ आप अगर स्किल्ड हैं तो अपना आंटरप्रेन बिजनेस आपने क्यों नहीं शुरू किया आपने कोई स्किल क्यों नहीं दी कोई आदमी बेशक वो द वन हु बॉर्न विद द गोल्डन स्पून वो भी अपने अंदर एक स्किल पैदा नहीं करेगा तो उसकी मौत इब्रतनाक होगी ये मैंने सख्त लफ्ज इसलिए बोला कि अगर आपके पास स्किल नहीं है किसी भी चीज़ का हुनर नहीं है तो कुछ ऐसे हालात आ सकते हैं कि जब आप कुछ नहीं कमा रहे होंगे तो आपके पास किसी भी हालात को मिटिगेट करने के लिए जब आपके पास किसी भी चीज़ का फन होता है मतलब एक तो हो गया आपको मिली जागीर में एम्पायर आपने चला रही लेकिन ऐसे हालात आ गए जहाँ आपको मजदूरी करना पड़ेगी मैं यहाँ से अंदाजा लगाने के लिए आपको बताता हूँ कि हज़रत सलमान को अल्ला रब्ज़त ने सारी बातशाहत दी तख्त दिए हवाएं दी, दी मुशर ज़िन्नात दिए मुशर चरण दिए मुस्तर और सारी नबाता जमादात सारी की सारी उनके हुक्म में थी लेकिन उसके बावजूद जब वो सारी बादशाह से फारग होते थे शाम को अपनी ज़रा ख़ुद बनाते थे एक दिन परवरदिगार पर से कहा कि अला ऐसा क्या है कि मुझे अपने हाथ से मेहनत करके ज़रा बेच करके रोटी लेनी पड़ती है तो इसके ऊपर क्या है उसने कहा ये भी हमारा फज़ल है समटाइम आपसे वो ज़रा भी लोग खरीदते नहीं है हम फरिश्ते की शक्ल में भेजते हैं वो ज़रा आपसे ख़रीद दी गई तो ये भी आपका अल्लाह का फज़ल है कि आपको रिस्क मिले लेकिन मेहनत अलकासिबोबुल्ला हबीबुल्ला आपको प्रॉफिट मोटिव्स भी आपको समझ लें कि ऐसे नहीं होता फ़ज़ल अपनी तरफ रहमत अली अपनी तरफ लक अपनी दफा तरफ मार्केट अचानक से आपकी बन जाती है लेकिन उन सब के अंदर आप याद रखें कि आपका सब कॉन्शियस मैटर कर रहा होता आपकी गट फीलिंग है कि ये एरिया नहीं है कपड़ा ये वाला कपड़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ ये वाली प्रोडक्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुई ये वाली चीज थाईलैंड में नहीं है या जेड पाकिस्तान से चाइना जाएगा जो सोने से ज्यादा महंगा है सो so अगर मैं ये वाली धातुआ बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा आएंगे ये वाली सोच आंटरप्रन्योर के जहन में आती है द आंट्रप्रोर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी यूनिट ऑप्टेन बन आंटरप्रन्योर इज इन एक्सचेंज फॉर गुड प्रोड्यूस्ड एंड मनी यूनिट सरेंडेड बाई हिम इन एक्सचेंज फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज टू प्रोडक्ट दीज गुड अब इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करें हमें सरेंडर करना हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है हमने अपने बहुत सारे मोटर्स को बेहतर करना है हमने जो आंटरप्रनोर होता है वो अपना शेयर कंज्यूम कम करता है बल्कि वो डेवलपमेंट में और लोगों पर ज्यादा लगाता ताकि एक्सपेंशन ज्यादा हो सो so, एक्सपेंशनिज्म एक अलग आइडिया जो मैं किसी ज़माने में फिर किसी और मॉड्यूल के अंदर या कभी किसी और चैप्टर में शेयर करूंगा, बल्कि मैं इस पर किताब भी आ रही है मेरी एक्सपेंशनिज्म कैन एक्सपेंड, वो आदमी जो अपनी जात से ऊपर सोचता है अपनी ज़ात से ऊपर सोचने के लिए अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी पड़ेगी मैं क्योंकि हजरत सलमान का किस्सा सुनाया तो एंड करने के लिए मैं एक और बात पूछता हूँ बताने के लिए आ, आपके सामने अर्ज करता हूँ हम कौन हैं हमां टपन और ये मजहबी बात नहीं है लेकिन इसको ज़रा समझने की कोशिश करें इफ़ यू बिलीव इन सुप्रीम बींग अल्लाह तो है अगर अल्लाह को नहीं मानते ये आपका अपना सब्जेक्ट है लेकिन पॉइंट ये कि अल्लाह जब है तो वो बात करता है हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की बात दोबारा सुनाता हूँ एक दिन उन्होंने कहा कि हवाएं जिन्नात हर चीज़ मुसख़र कर दी सो एक दिन मुझे इतना कुछ दिया कि मुझे इजाज़त दे मैं आपकी मखलूक की दावत करूँ मैं आपकी मखलूक की दावत करना चाहता उन्होंने कहते आप एक साल के लिए तो उन्होंने कहा था सलमान आई इसम को कि यह आपकी बस की बात नहीं अपना करें का एक महीने के लिए उनका आपके बस की बात नहीं उनका एक दिन के लिए उनका आपके बस की बात नहीं फिर उन्होंने इहसार किया उनका अच्छा चल कर ऐसा दस्तरखान लगाया कि उसके लिए एक महीना वॉक ऑन करना पड़ता था कि इतना लंबा दस्तरखान था उन्होंने कहा मैंने तैयार कर लिया तो अल्लाह ने कहा क्या बरी के लिए बहरी के लिए उन्होंने कहा कि पहले बहरी को कर लेते हैं फिर बरी मखलूक को भी कर लेंगे तो उन्होंने कहा अच्छा चलो आगाज़ किया जाए उन्होंने आगाज़ किया तो एक मछली ने सर निकाला सिर्फ एक मछली ने मछली ने सर निकाल के कहा कि जी सुने आपने दावत की उन्होंने कहा सबकी की है तो मखलूकों की समंदर में भी सारी खाएगी उन्होंने कहा पहले आप मुझे तो पूरा कर लें एक मछली एक मछली ने सिर्फ मुंह खोला सारे के सारा खाना देगो समेत दौगों समेत सब कुछ खा गई जो एक महीने की तवालत का दस्तखान था वो तो एक ही झटके के अंदर वो खा गई उन्होंने ये क्या उनका और आप क्या पेश करेंगे उनका ये तो सारी मखलूक के लिए था अभी तो मैंने बहुत कुछ बांटना था ऊपर भी और नीचे भी तो ये तो ख़त्म हो गया सारा तुम तो खा गई कहते हैं तो बस मैं ये बता रही हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे इस तरह के तीन लुक में रोजाना देता है तीन लुक में ऐसे रोजाना देता है सो यहाँ पर मैंने ये इसलिए अर्ज की कि हम प्रॉफिट को मैयर नहीं कर सकते प्रॉफिट इज अन सीनेबल अनबल आप रहमत के साथ चलने की कोशिश करें आप हैरान हो जाएंगे कि ये इंसानों के बस की बात नहीं है कि जस्ट हैड और आपके लुक में आपको अंदाजा भी नहीं कि आपको परवरदिगार कहाँ से देगा सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉफिट मोटिव के साथ आपके एक्सपेंशनिज्म का आइडिया आपके जहन में कैसे होगा और उम्मीद रखें कि हमेशा के लिए आगे से ज्यादा से ज़्यादा मिलेगा थैंक यू वेरी मच